हेलो एवरीवन कलावती डिजाइंस में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज मैं बताने जा रही हूँ बहुत ही परफेक्ट कटोरी ब्लाउज़ कटिंग और स्टिचिंग तो प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो में आगे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े को मैं डबल फोल्ड कर ली हूँ और जॉइंट के साइड अपने साइड रखी हूँ और खुले के साइड उल्टी तरफ रखी हूँ तो यहाँ पर कपड़े को बराबर कर लेंगे और यहाँ पे कपड़े को बराबर से मिला के तो यहाँ पे बराबर लाइन खींच देंगे सीधी लाइन ऊपर की तरफ़ देख सकते हैं और यहाँ पे मैं ब्लाउज़ की लेंथ ले रही हूँ साढ़े पंद्रह इंच क्योंकि तैयार मुझे चाहिए साढ़े चौदह इंच इसीलिए मैं एक इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ हाफ इंच नीचे के लिए और स्टिचिंग हो जाएगा और हाफ इंच ऊपर में स्टिचिंग हो जाएगा इसलिए और यहाँ पर देख सकते हैं बराबर मैं लाइन खींच दी हूँ तो यहाँ पर चेस्ट हमारा है चौंतीस इंच का तो यहाँ पे देख सकती मैं साढ़े पाँच इंच पर शोल्डर पर ली हूँ और सवा दो इंच में यहाँ पे गले के पास लगा दूँगी मार्क कर दूँगी और यहाँ पे हम रखेंगे गले के पास छः इंच तो यहाँ पे मैं कटोरी मतलब छोटा कटोरी निकाल रही हूँ और तीरा तो लाइन को बराबर कर देंगे और सीधी लाइन खींच देंगे उसके बाद लेना है शोल्डर शोल्डर तो ले ली है आप यहाँ पे लेना है आर्म होल तो यहाँ पे साढ़े पाँच इंच पर मैं ले रही हूँ आर्म होल तो सीधी लाइन खींच देंगे और इधर से भी तो यहाँ पे गले के पास हम गोलाई दे देंगे अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए और यहाँ पे मैं फ्रंट के तरफ में कटिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे थोड़ा डाउन कर लेना है यहाँ पे हमारा आर्म माहौल और यहाँ पे हम साढ़े आठ पर टिक लगाएंगे और डेढ़ इंच एक्स्ट्रा क्योंकि चौंतीस का फोर्थ पार्ट होता है साढ़े आठ इंच और यहाँ पे आर्म होल के पास गोलाई दे देना है और इधर से हम तीन इंच पर बेक मतलब बेल्ट की लंबाई जो रखेंगे वो मैं टिक लगा रही हूँ और ऊपर की तरफ बचेगा साढ़े बारह इंच तीरा हमारा अब यहाँ पे बराबर मिला के देख लेंगे कि दस हमारा है कि नहीं है और इधर से हम एक सीधी लाइन खींच देंगे अभी मैं यहाँ पे डाउन नहीं करूँगी जब मैं ब्लाउज़ लूँगी उस टाइम डाउन कर लेंगे उधर की तरफ एक की दिख इंच देख सकते हैं हाफ इंच या फोन इंच भी ले सकते हैं आप इस तरह मैं गोलाई दे दी हूँ बेल्ट की और यहाँ पे मैं टुकिया रखूँगी साढ़े पाँच इंच की तो, तो वहाँ पर साढ़े पाँच इंच करना है और इसके थोड़ा सा ऊपर भी और आर्म होल से लेना है ढाई इंच और गले के पास मैं ले रही हूँ एक इंच डाउन कर दी हूँ तो मेरे को पाँच इंच चाहिए और इस तरह गोलाई दे के यहाँ पर हम कटोरी का, का सेव देख सकते बन गया है अब इसको हम कटिंग कर लेंगे नहीं तो क्या करेंगे ना जो यहाँ पे पेटीएम काटे हैं उसके नीचे हम एक इंच का या तो दो इंच आप एक्स्ट्रा रख सकते हो तो यहाँ पहले मैं दो इंच रखी थी डेढ़ इंच तो क्या हुआ था बाद में ना हमारा यहाँ पे कपड़ा है अस्तर का अस्सी सेंटीमीटर है तो यह कम पड़ गया था इसीलिए बाद में मैं हाफ़ इंच कटिंग कर रही हूँ देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पहले बेल्ट, बेल्ट की कटिंग से शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे इसी तरह कटिंग करते हुए हम पूरी कटिंग कर लेंगे तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को आगे तक देखिएगा बहुत ही अच्छी वीडियो है और यह कटोरी ब्लाउज़ बहुत ही परफेक्ट बैठती है तो इसी तरह कटिंग करके पूरे ब्लाउज़ को पूरी कर लेंगे जहाँ हम मार्क किए हैं वहाँ तक तो देख सकते हैं हमारा तीरा यहाँ पे कटिंग होकर रेडी हो गया है या हमारा छोटा कटोरी भी रेडी हो गया है तो हम इसी छोटा कटोरी से बड़ा कटोरी में कन्वर्ट करेंगे तो प्लीज़ दोस्तों आगे वीडियो में, में देख आप मतलब आगे बने रहिएगा और यहाँ पे मैं पेटी को हाफ इंच बढ़ा के कटिंग कर रही हूँ देख सकते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे मैं नीचे कटिंग करूँगी पीछे का पार्ट तो जितना हम वहाँ पर चेस्ट लिए थे फ्रंट पार्ट में उतना ही मैं यहाँ पर लूँगी और यहाँ पर भी लंबाई में लूँगी साढ़े पंद्रह इंच एक सीधी लाइन तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ तो देख सकते हो उसका मैं मार्क कर रही हूँ जितना शोल्डर में ली थी वहाँ पे उतना यहाँ पे लेना है और आर्म होल भी जितना हम लिए थे फ्रंट पार्ट में उतना यहाँ पे लेना है तो साढ़े पाँच इंच लेना है हमारा आर्म होल उसके बाद यहाँ पे एक इंच पर यहाँ पे टिक लगा देना है पीछे की तरफ का आर्म होल है और यहाँ पे हम देख सकते हैं दस पर टिक कर रहे हैं और साढ़े आठ पर हमारा चेस्ट फिटिंग रहेगा वहाँ से हम गोलाई देते हुए देख सकते हैं गुराई में दे दी हूँ और यहाँ पे दस इंच पट्टी लगा के लाइन को सीधी कर लेंगे उसके बाद हम बाद में डिज़ाइन बनाएंगे उस टाइम मैं यहाँ पे गले के पास सेव दूँगी शोल्डर का तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो में मतलब आगे बने रहिएगा मैं बताऊँगी और यहाँ पर हमारा देख सकते हैं फिनिशिंग से बेक पार्ट भी रेडी हो गया है कटिंग हो अब यहाँ पे हम कटोरी को छोटा कटोरी को बड़ा कटोरी में बनाने वाली हूँ तो प्लीज़ वीडियो को आगे बने रहिएगा बिल्कुल भी की स्किप नहीं कीजिएगा तो इस पर क्या करेंगे ना हम पूरा ड्रॉ कर लेंगे इस कटोरी को जैसा है वैसा हम कर लेंगे उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको क्या करना है सो तो इसको हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं तो देख सकते कितना फिनिशिंग से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ली हूँ अब यहाँ पे हमको क्या करना है ना नीचे दोनों तरफ हम दाएं बाएं देख सकते ध्यान से देखिए एक एक इंच बढ़ा देना है देख सकते टोटल हमारा सावा आठ इंच आ रहा है तो इसको ही बीच में हम एक टिक लगाएंगे और यहाँ पर डेढ़ इंच पे नीचे हम बढ़ाएंगे देख सकते हैं प्रसी लाइन खींचना है डेढ़ इंच पर और जहाँ से हम एक इंच बढ़ाए थे उधर से मतलब मिला के लाइन खींच देना है देख सकते हैं कुछ इस प्रकार देखने में मिला के बराबर है कि नहीं है तो बराबर माप आना चाहिए और उधर से हम गले के पास देख सकते हैं मैं नहीं बढ़ाई हूँ वैसे ही एक इंच बढ़ा था वहीं से मिला दी हूँ मैं और यहाँ पे गले के पास ऊपर के साइड में हाफ़ इंच बढ़ाई हूँ और नीचे की साइड जो एक इंच बढ़ा था वहीं मैं मिला दी हूँ देख सकते हैं हमारा कटोरी कितना सुंदर परफेक्ट बना है इसकी लंबाई कुछ आ रही है नौ इंच चौड़ाई आ रहा है आठ इंच अब इसको हम कटिंग कर लेंगे देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा फिनिशिंग से कटेगी हमारा कटोरी और बहुत ही परफेक्ट कटोरी है ये बहुत ही मतलब फिनिशिंग होता है पहनने से इसको कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आता है ये कटिंग करके देखिएगा बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ बनेगा इससे तो हमारे यहाँ पे कटोरे भी बन के रेडी हो गया है अब यहाँ पे हम अस्तर के कपड़े को मतलब कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे मैं बाजू कटिंग नहीं की हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पे कपड़ा कम था अस्सी से सेंटीमीटर था तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना मैन फेब्रिक में ही हम सिर्फ मतलब कट बाजू कटिंग करेंगे और यहाँ पे मैं कटोरी देख रही हूँ आपके पूरा परफेक्ट आया था तो यहाँ पे मैं बाजू निकाल रही हूँ आप क्या करेंगे ना जो अस्तर के कटिंग करने से पहले आप पेपर पर कटिंग कर सकते हैं कटोरी तो आपका कपड़ा बहुत ही बच जाएगा तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं यहाँ पर मैं कटिंग कर रही हूँ बाजू निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े को जवेंट की साइड अपने साइड रखना है और खुले की साइड उल्टी की साइड तो यहाँ पे बाजू की लंबाई लेना है ग्यारह इंच दोनों तरफ मतलब ग्यारह ग्यारह इंच लेंगे और खुली की साइड है उस तरफ हम तीन इंच कट कर लेंगे और गोलाई दे देंगे बाजू का और नीचे की तरफ हम लेना है मतलब फिटिंग था हमारा साढ़े पाँच इंच और मैं यहाँ पे डेढ़ इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ तो ले रही हूँ मैं सात इंच यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा बाजू देख सकते हैं कटिंग होकर रेडी हो गया है जो हमारा पेक था थोड़ा सा उसको मैं खोल ली हूँ देख सकते हैं यहाँ पे बाजू हमारा रेडी हो गया है अब क्या करना है ना जो मैं कट मतलब कटिंग की हूँ कटोरा और तीरा और बेग पार तो उसको हम बिठा के यहाँ पर कटिंग कर लेंगे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार बिठाखे हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे मैं कटोरी सिल रही हूँ तो देख सकते हैं अस्तर मेन फैब्रिक में, में के अच्छे से चारों तरफ सिलाई लगा देना है इसको चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे उसके बाद इसको हम मेन फैब्रिक है थोड़ा निकला है देख सकते हैं उसको हम छाट के बराबर कर लेंगे यहाँ पे हम कटोरी को पकड़ेंगे नीचे साइड और बराबर से देख सकते हैं यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे क्या करना है ना इधर की तरफ़ डेढ़ इंच और ऊपर की तरफ तीन इंच पट्टिक लगाना है और यहाँ पे लाइन खींच देना है और इसी के ऊपर हम यहाँ पे सिलाई कर देंगे डबल सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए तो देख सकते हैं दोस्तों कितना परफेक्ट कटोरी बन के हमारा रेडी हो गया है अब यहाँ पर हम तीरा अटैच करेंगे तो जिस तरह हम कटोरी को मतलब साइड साइड में सिलाई लगाए थे उसी तरह यहाँ पे फिनिशिंग से लगाते हुए हम पूरी कर लेंगे सिलाई को एक दूसरे को कपड़े को मतलब मिलाते हुए सिलाई कर लेंगे हम फिनिशिंग से तो यहाँ पे हमारा तीरा भी रेडी हो गया सिल के तो यहाँ पे हम कटोरी और तीरा को बिठा लेंगे तो यहाँ पे हाफ़ इंची के मार्जिन से यहाँ पे सिलाई में कर रही हूँ बराबर से कपड़ा पकड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे थोड़ा सा स्टफ फेब्रिक निकला है उसको हम कटिंग कर लेंगे तो यहाँ देख हैं अब हम पेटी अटैच करेंगे देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से हमारा कटोरी और तीर लग के रेडी हो गया है अब यहाँ पे हम पेटी मतलब पेटी मतलब स्टिच करेंगे तो यहाँ पे मेन फैब्रिक में, में नीचे ली हूँ और ऊपर की तरफ मैं ली हूँ अस्तर का कपड़ा दोनों को अच्छे से पकड़ के स्टिच कर लेंगे हाफ इंची के मार्जिन से अस्तर की ओर हम एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए अब इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे अब इसके ऊपर सिलाई लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो पर बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आता है सिलाई लगाने से अब हम पेटी को चारों तरफ से अच्छा से मतलब अटैच कर लेंगे तो क्या होता है ना बहुत ही अच्छा फिनिशिंग होता है और इधर उधर कपड़ा भागता नहीं है इसीलिए और जो थोड़ा स्टफ फैब्रिक निकला था उसको हम कटिंग कर देंगे दोनों तरफ से और यहाँ पे हम पेटी अटैच करेंगे के ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे हम फिनिशिंग के लिए तो देख सकते हैं हमारा आगे का पार्ट कितना मतलब फिनिशिंग से रेडी हो गया है तो यहाँ अब हम लगाएंगे हेम पट्टी जो अंदर की तरफ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम इस ब्लाउज में हम लगाएंगे हुक तो यहाँ पे हुक पट्टी लगाएंगे आप इंच कपड़ा नीचे की तरफ मोड़ते हुए हम सिलाई लगा देंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए अस्तर के कपड़ा को अंदर करते हुए एक सिलाई लगा देंगे ऊपर से और पट्टी को लगा के रेडी कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का पार्ट देख सकते हैं रेडी हो गया पूरी तरह से सिल के तो दोनों को, मतलब पार्ट में ऐसे ही सिल के रेडी कर ली हूँ देख सकते हैं यहाँ पे कितना फिनिशिंग से रेडी हुआ है तो यहाँ पे हमारा बाकी रह गया है गले का पट्टी लगाना तो यहाँ पे देख सकते हैं एक इंच का मैं कपड़ा ली हूँ और यहाँ पे डबल फोल्ड करके गले के पास में अटैच कर रही हूँ एक सूद के मार्जिन से देख सकते हैं फिनिशिंग में फिनिशिंग से लगाते हुए हम पूरे मतलब गले में लगा लेंगे उसके बाद जितना स्ट्रक कपड़ा होगा उसको हम कटिंग करके थोड़ा सा मोड़ लेंगे अंदर की तरफ़ और गले के पास बीच बीच में थोड़ा सा कट लगा देंगे फिनिशिंग के लिए और थोड़ा थोड़ा लगता होगा कि हम मेरा कपड़ा एक्स्ट्रा निकला है उसको हम कटिंग कर कटिंग करके निकाल देंगे और यहाँ पर हम गले पट्टे बना रहे हैं देख सकते उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे फिनिशिंग के लिए आप यहाँ पे क्या तुरपाई भी कर सकते हो पर मैं यहाँ पे सिलाई लगा दे रही हूँ तो लगा के हमको पूरे गले में सही रेडी कर लेना है तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए आए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ भी मतलब प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा थैंक यू सो so मच